नमस्कार दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने यानी कि एयरटेल इंडिया ने आप लोगों के लिए 599 और 299 वाले प्लान में 4 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देने का ये आप लोगों के सामने प्रस्ताव पेश किया है। और ये आप लोगों को बता दूं केवल दिल्ली एनसीआर के लिए है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में जानना है कि ये जो लाइफ टर्म इंश्योरेंस है ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को किसी भी तरह की मैच्योरिटी नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर किसी भी एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी उसके नॉमिनी को, और उसको 4 लाख रुपए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरह से आप लोग क्लेम करेंगे और किस तरह से आप लोग इस ऑफर को ले सकते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जियो और एयरटेल के बीच में ये सब चीजें चलती रहती हैं और एयरटेल मई में भी 2019 में ही इसी साल आप लोगों के लिए 299 वाले प्लान के साथ इंश्योरेंस लेकर के आया था, जिसमें आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस दे रहा था। तो उसी तरह से दोस्तों, ये इंश्योरेंस आप लोगों को HDFC की तरफ से मिल रहा है, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से, इन दोनों के बीच साझा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आप लोगों की एलिजिबिलिटी 18 से लेकर के 54 साल के बीच में होनी चाहिए और आप लोग इंडिया में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इंडियन नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। खास करके अभी फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली वालों के लिए ओपन किया गया है, दिल्ली एनसीआर के लिए ओपन किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों, जो आप लोगों को इस ऑफर को अवेल कराना है, यानी कि अगर आप लोगों को इस ऑफर को लेना है, तो जैसे ही आप लोग रिचार्ज कराएंगे वैसे ही आप लोगों का विदिन 1 डेज आप लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा, उस इंश्योरेंस की डिटेल पहुंच जाएगी, उस टर्म इंश्योरेंस की डिटेल पहुंच जाएगी कि नंबर वगैरह क्या है। और आप लोग दोस्तों इसमें नॉमिनी ऐड कर सकते हैं खुद से, या फिर आप लोग कोई भी एयरटेल का रिटेल शॉप अप्रोच कीजिए, वहां पे जाकर के नॉमिनी डिटेल या फिर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती है, आप लोगों की कागजी हमको चाहिए, कागज के रूप में इंश्योरेंस की डिटेल चाहिए, तो आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर आप लोग एयरटेल के भी ऐप से ये सारी चीजें कर सकते हैं, नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, उसकी KYC कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेन काम जो है वो है नॉमिनी का, तो आप लोग अपने नॉमिनी को जरूर अपडेट कीजिए, क्योंकि अगर ये टर्म इंश्योरेंस आप लोगों को मिल रहा है तो ये आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये आप लोगों की डेथ पे मिलेगा आप लोगों के नॉमिनी को। तो आप लोगों को नॉमिनी एक ध्यान से भरना है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करनी है, किसी भी तरह की गलत डिटेल नहीं देनी है, वरना नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर आप लोग 599 रुपए वाला रिचार्ज प्लान लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी 84 डेज है, जिसमें आप लोगों को 2 GB पर डे का डेटा मिलता है और यहाँ पे आप लोगों को 100 SMS फ्री मिलता है, और एयरटेल के जो भी फ्री एप्स है उनको आप लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों इसकी वैलिडिटी जो लाइफ इंश्योरेंस की होगी, जो आप लोगों के लाइफ टर्म इंश्योरेंस की होगी, वो होगी रिचार्ज की वैलिडिटी डेट तक, यानी कि 84 डेज, यानी कि आप लोग जब लेते हैं तो उसके 3 महीने तक आप लोगों की रिचार्ज की वैलिडिटी डेट होगी और आप लोगों के टर्म इंश्योरेंस की भी वैलिडिटी होगी। जब जब आप लोग रिचार्ज कराएंगे तब तब आप लोगों का इंश्योरेंस भी रिन्यू होता जाएगा। अब यहां पे जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो भी टर्म इंश्योरेंस बनेगा, जिसके नंबर पे मोबाइल फोन होगा, या फिर कह लीजिए जो भी मोबाइल नंबर जिसके नाम पर होगा, उसी की ही आप लोगों को टर्म इंश्योरेंस मिलेगी। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों के मम्मी पापा या फिर भाई के नाम पे है और आप लोगों को वो टर्म इंश्योरेंस आप लोगों के नाम पे मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अपने नाम पे सिम खरीदना होगा, और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का कोई भी बंदा अगर एक से ज्यादा सिम एयरटेल का रखा हुआ है, अगर उसके नाम पे है, तो उसे केवल एक ही सिम पे मिलेगा, यानी कि उसे केवल 4 लाख तक का ही टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर अलग अलग नाम से लोग हैं और अलग अलग सिम ले रखे हैं तो वहां पे वो टर्म इंश्योरेंस का फायदा ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कोई क्वेश्चन हो या फिर अगर आप लोग कुछ और टॉपिक चाहते हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही आप लोगों का आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं और फिर यहां पे किसी भी तरह की मिस्टेक होती है
और क्लेम यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता है या फिर पता चलता है कि आप लोगों ने धोखाधड़ी की है, तो आने वाले 3 सालों तक आप लोग किसी भी तरह का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते और वहाँ पे आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा लीगली आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग जो भी डिटेल भरे वो सही तरीके से भरे और सही सही डिटेल भरे। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो भी टर्म इंश्योरेंस मिलेगा वो आप लोगों के रिचार्ज में से ही काट करके कंपनी को चला जाएगा, HDFC को चला जाएगा और वही आप लोगों का टर्म इंश्योरेंस उतनी वैलिडिटी के लिए बना रहता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, खास करके एयरटेल जिनके पास है, एयरटेल की सिम जिनके पास है उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि भैया अगर आप रिचार्ज करा रहे हो तो 299 वाला करा लो या फिर 599 वाला करा लो। 299 वाले में क्या है कि वैलिडिटी 28 दिनों की है, बाकी लाभ आप लोगों को डेटा और SMS वगैरह का सेम मिलता है। तो वहां पे आप लोगों को 28 दिनों की मिलेगी और यहाँ पे आप लोगों को 84 दिनों की मिलेगी या फिर कह लीजिए आप लोग 3 महीने तक की मिलेगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।